ऊना के नगर परिषद संतोषगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नव निर्मित भवन का आज डॉक्टर राजीव सहजल द्वारा लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। इस कार्यक्रम को यादगार और सफल बनाने के लिए भाजपा शहरी इकाई ने हर घर द्वार तक निमंत्रण पत्र पहुंचाया था और स्थानीय लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने का आग्रह भी किया था। यूं वैसा माहौल देखने को भी मिला। भारी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और नए भवन को लेकर लोगों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। गौरतलब है कि नव निर्मित स्वास्थ्य भवन से संतोषगढ़ नगर एवं आसपास के क्षेत्र की लगभग 45,000 की आबादी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्तर पर ही मिलने लगेगी, जिसके लिए पहले क्षेत्र के लोगों को बसदेड़ा, हरोली या फिर ऊना जाना पड़ता था। फिलहाल यहां पुराने भवन में चिकित्सा परामर्श का कार्य चल रहा है। यहां 10 बिस्तर की सुविधा मरीजों के लिए है, लेकिन जगह की कमी और मरीजों को दाखिल करने के लिए वार्ड का ऊपरी मंजिल पर होने से मरीजों का वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए ना तो लिफ्ट थी और ना ही मरीजों को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाने के लिए रैंप था, जिसके चलते ऊपरी मंजिल में बेड लगे होने का मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अब इतिहास को आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखिए, इतने कम कार्यकाल के अंदर इतने डॉक्टर्स जो हैं अपॉइंट किए गए, विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो नियुक्ति दी गई है, तकरीबन 750 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई हिमाचल प्रदेश में। समय लगता है सुधार के लिए और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होती हैं। अभी 300 डॉक्टर्स की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 4 सितंबर को उसका एग्ज़ाम हो रहा है, 8 को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू होगी। जहाँ कहीं डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो भेजे जाएंगे और भव्य भवन मंडप भी तैयार हुआ है, विशेषज्ञ भी भेजेंगे, इक्विपमेंट्स भी भेजेंगे। सर, जिस तरीके से प्रदेश में आम आदमी पार्टी दावा कर रही है तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगी और सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं, कल उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ऊना के दौरे पर आ रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। मेरा कहना नहीं है, आम आदमी पार्टी चलो जो आप कह रहे हैं लोग आप उनकी आवाज़ यहाँ जो है आप कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। दो ही पार्टियाँ हिमाचल प्रदेश में, ये पार्टी और संतुलन खड़ा करने की कोशिश। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अंजना की रिपोर्ट।